दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे, आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली की तरफ से 22 फरवरी को निकाला गया है। यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी अलग अलग लोकेशंस के लिए वैकेंसी रहने वाली है। वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी किस ब्रांच के लिए वैकेंसी रहेगी, किस प्लांट या फिर यूनिट के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी क्या रहेंगी और आपकी वैकेंसीज को यहाँ पर कैटेगरी वाइज कैसे बांटा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए। क्वालिफ़िकेशन में आपको बताया है अगर आपने फुल टाइम में डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है ट्रेनी मैकेनिकल के लिए। अगर आपने फुल टाइम में डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 28 साल रहने वाली है। इसके साथ ही एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अगर आपने फुल टाइम में डिप्लोमा किया है इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने फुल टाइम में डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक के इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांच आती हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने फुल टाइम में डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ड्राफ्टमैन के लिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में, आप यूआर, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो डिप्लोमा में मिनिमम आपके 50% मार्क होने चाहिए। बाकी अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो डिप्लोमा में मिनिमम आपके 40% मार्क होने चाहिए। जो लोग भी यहाँ पर एज ट्रेनी सिलेक्ट होते हैं, शुरुआत में 2 साल तक उन लोगों को यहाँ पर प्रोबेशन पर रखा जाएगा और जैसे यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फिर सैलरी यहाँ पर आपको S3 ग्रेड की मिलने वाली है। बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका CBT एग्ज़ाम के आधार पर होने वाला है। टोटल यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर आपकी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि मेल और फीमेल की क्या हाइट और क्या वेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आप यूआर, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर आपको 500 रुपये देनी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंट कैंडिडेट को यहां पर एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये देनी है। बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहने वाला है। फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 26 फरवरी से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 18 मार्च रहेगी। अगर आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आप इन पोस्टों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।